हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 के बारे में, जिसे हम BOCW एक्ट भी कहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि BOCW एक्ट 1996 की क्या हिस्ट्री है। तो दोस्तों, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सन 1947 से लेकर 1995 तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जहां पर भी काम कर रहे थे, तो उनके लिए कोई भी ऐसा कायदे कानून नहीं था, यानी कि उनके हेल्थ के बारे में सोचने वाला ऐसा कोई लॉ नहीं था, सेफ्टी के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचने वाला कोई भी ऐसा कायदे कानून वहां पर नहीं था। और उस समय 8 से 10 मिलियन तक स्किल और अनस्किल जो भी वर्कर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंडिया में काम कर रहे थे। फिर उसके बाद 18 मई 1995 में 41वीं लेबर मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में सोचा गया, यानी कि बिल्डिंग में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर अदर कंस्ट्रक्शन में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक लॉ बनाया जाए, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया था। और फिर उसके बाद ये जो लॉ है ये धीरे धीरे पार्लियामेंट तक पास होते गया और लास्ट में 19 अगस्त 1996 को प्रेसिडेंट की इसके ऊपर मोहर लग गई। लेकिन इसको फोर्स में आते आते कुछ समय लग गया और फाइनली 1 मार्च 1996 को ये पूरे इंडिया में फोर्स में लाया गया। चलिए अब जानते हैं कि BOCW एक्ट 1996 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो BOCW एक्ट है ये इसलिए बनाया गया है ताकि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो भी वर्कर्स है उनके एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस को वहां पर रेगुलेट किया जाए, यानी कि उसको सुधारा जाए। इसके अलावा जो भी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनके सेफ्टी के बारे में सोचा जाए, उनके हेल्थ के बारे में सोचा जाए और जो भी वेलफेयर फैसिलिटी है वो भी उनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा अदर कोई अगर मैटर इसके साथ में अगर कनेक्टेड है तो उसको भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस BOCW एक्ट का मेन पर्पोज ये है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनके काम के कंडीशंस के ऊपर ध्यान दिया जाए, ये इसका मेन पर्पोज है। ये जो BOCW एक्ट है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स है उनके लिए एक सोशल वेलफेयर स्कीम है और इसका मेन मोटिव ये है कि इसकी वजह से वर्कर्स को बेनिफिट मिले और ये बेनिफिट्स उन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है जो भी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन में अपना काम कर रहे हैं पूरे कंट्री में। तो चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के इंडेक्स के बारे में कि इस एक्ट के अंदर क्या दिया गया है। तो इस BOCW एक्ट के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स दिए गए हैं और इसमें टोटल 64 सेक्शन दिए गए हैं। तो इसमें चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी का, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 2 तक दिया गया है। चैप्टर 2 है द एडवाइजरी कमिटीज एंड एक्सपर्ट कमिटीज का, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर 5 तक दिया गया है। चैप्टर 3 है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का, जिसमें सेक्शन 6 से लेकर 10 तक दिया गया है। चैप्टर 4 है रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज बेनिफिशियरीज का, जिसमें सेक्शन 11 से लेकर 70 तक दिया गया है। चैप्टर 5 है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का, जिसमें सेक्शन 18 से लेकर 27 तक दिया गया है। चैप्टर 6 है हावर्स ऑफ वर्क वेलफेयर मेजर्स एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स का, जिसमें सेक्शन 28 से लेकर 37 तक दिया गया है। चैप्टर 7 है सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स का, जिसमें सेक्शन 38 से लेकर 41 तक दिया गया है। चैप्टर 8 है इंस्पेक्टिंग स्टाफ का, जिसमें सेक्शन 42 से लेकर 43 तक दिया गया है। चैप्टर 9 है स्पेशल प्रोविजंस का, जिसमें सेक्शन 44 से लेकर 46 तक दिया गया है। चैप्टर 10 है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर का, जिसमें सेक्शन 47 से लेकर 55 तक दिया गया है। और चैप्टर 11 है मिसलेनियस का, जिसमें सेक्शन 56 से लेकर 64 तक दिया गया है। तो इस तरीके से इस BOCW एक्ट 1996 में टोटल 11 चैप्टर्स है और टोटल 64 सेक्शंस है। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 1 के बारे में, जो है प्रिलिमिनरी का। तो इसमें सेक्शन 1 में दिया गया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में। तो इस एक्ट का मेन जो स्कोप है वो पूरे इंडिया में जो है वो एक्सटेंड किया गया है, यानी कि पूरे इंडिया में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन का जहां पर भी काम हो रहा है वहां पर ये एप्लीकेबल है।
फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि 10 या फिर 10 से ज्यादा अगर बिल्डिंग वर्कर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो और वो ये काम 12 महीने में कभी भी कर रहे हो जहां पर 10 से ज्यादा वर्कर वहां पर काम कर रहे हो, तो ये जो एक्ट है ये उसको एप्लीकेबल होगा। और ये जो BOCW एक्ट है ये 1 मार्च 1996 को पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया, तब से ये फोर्स में आ गया। फिर उसके बाद सेक्शन 2 है, वो है डेफिनेशंस का। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन जो आपको याद में रखनी है वो है बिल्डिंग वर्कर की। तो बिल्डिंग वर्कर यानी कि कौन सा पर्सन्स, तो वो पर्सन्स जो इम्प्लॉय है किसी भी स्किल को काम करने के लिए या फिर सेमी स्किल का काम करने के लिए या फिर अनस्किल का काम करने के लिए या फिर मैनुअल का काम करने के लिए या फिर टेक्निकल का काम करने के लिए या फिर क्लरिकल का काम करने के लिए। तो ये काम जो भी पर्सन्स कर रहा है वो बिल्डिंग वर्कर के अंडर में आता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करता है या फिर मैनेजर के लेवल का काम करता है तो वो लोग जो है ये बिल्डिंग वर्कर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 2 के बारे में, जो है द एडवाइजरी कमिटी एंड एक्सपर्ट कमिटी के बारे में। तो इसमें सेक्शन 3 में बताया गया है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी के बारे में। तो सेंट्रल एडवाइजरी जो कमिटी होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंस्टिट्यूट किया जाता है। इस सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी को और एक नाम भी दिया गया है, इसको और एक नाम से भी जानते हैं, जो है सेंट्रल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एडवाइजरी कमिटी। इसमें एक चेयर पर्सन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको नॉमिनेट करती है। और इसमें 3 MPs होते हैं जिसमें से 2 जो है वो लोकसभा से नॉमिनेट किए जाते हैं और 1 जो है वो राज्यसभा से नॉमिनेट किया जाता है। इसमें एक डायरेक्टर जनरल भी होता है और इसके अलावा 9 से लेकर 13 जो मेंबर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। यहाँ पर जो है जो भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है बिल्डिंग वर्कर्स के, तो वो जो है एम्प्लॉयर्स के जो भी नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव है उसके इक्वल होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 4 में बताया गया है स्टेट एडवाइजरी कमिटी के बारे में। तो स्टेट एडवाइजरी जो कमिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंस्टिट्यूट की जाती है। स्टेट एडवाइजरी कमिटी को और एक नाम भी दिया गया है, जो है स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एडवाइजरी कमिटी। इस एडवाइजरी कमिटी में एक चेयर पर्सन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। इसमें 2 MLAs भी होते हैं। इसमें एक मेंबर भी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। इसमें एक चीफ इंस्पेक्टर भी होता है। इसके अलावा 7 से लेकर 11 जो मेंबर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। इसमें जो है बिल्डिंग वर्कर्स के जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है तो उनकी जो संख्या है वो एम्प्लॉयर के जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके इक्वल में होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 5 में दिया गया है एक्सपर्ट कमिटीज के बारे में। तो एक्सपर्ट जो कमिटी है वो एप्रोप्राइट जो भी गवर्नमेंट वहां की रहेगी वो इसको कंस्टिट्यूट करती है। और एक्सपर्ट कमिटी का मेन रोल ये होता है कि वो जो भी गवर्नमेंट है उसको एडवाइस कर सके कि इस एक्ट के अंडर में कौन से रूल्स जो है वो तैयार कर सके। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 3 के बारे में, जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें सेक्शन 6 दिया गया है अपॉइंटमेंट रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जो भी एप्रोप्राइट गवर्नमेंट होती है तो उस गवर्नमेंट का जो भी गैजेटेड ऑफिसर है वो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। फिर उसके बाद सेक्शन 7 है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉयर है तो उस एम्प्लॉयर का जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वो अगर इस एक्ट के अंदर अगर आ जाता है तो उसके ठीक 60 डेज के अंदर जो है उसको रजिस्टरिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देनी होती है इसके बारे में। और अगर वो विद इन 60 डेज अगर नहीं दे पाता है और उसके बाद वो एप्लीकेशन अगर देता है तो उसका उसको रजिस्टरिंग ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन देना होता है, एक सेटिस्फैक्टरी कॉज देना होता है कि इतना लेट क्यों हुआ है। रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जब ये एप्लीकेशन आती है तो वो उसको वेरीफाई करता है और वेरीफाई करने के बाद जब उसको सब कुछ सही लगता है तब वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू करता है।
रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगर इम्प्लॉयर को अगर उसमें कोई भी अगर चेंजेस करना है, जैसे कि ओनरशिप चेंज करनी है या फिर मैनेजमेंट में कोई अगर चेंजेस करना है, तो उसका जो इंटीमेशन है वो उसको 30 डेज के अंदर रजिस्टरिंग ऑफिसर को देना होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 8 में दिया गया है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस। तो इसमें बताया गया है कि ये जो रजिस्ट्रेशन किया गया है इसमें अगर कोई अगर मिस रिप्रेजेंटेशन अगर दिया हुआ है या फिर कोई भी प्रोविजंस का अगर इसमें वायलेशन किया गया है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रिवोक कर सकते हैं, यानी कि इसको रद्द कर सकता है। अब ये रिवोक कौन करेगा, यानी कि रद्द कौन करेगा, तो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है जो इसको रजिस्टर करता है वो इसको रद्द भी कर सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 9 में दिया गया है अपील के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा अगर ये रिवोक किया जाता है, यानी कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये अगर रद्द किया जाता है, तो उसके बारे में एम्प्लॉयर जो है वो अपील भी कर सकता है, और वो जो अपील है वो उसको within 30 days जो है वो करनी है, और वो जो अपील है वो एपीलेंट ऑथोरिटी जो है, जो नॉमिनेट होती है, जो अप्रोप्राइड गवर्नमेंट होती है, उसकी ओर से उसको करना होता है। पर अगर 30 दिन के अंदर अगर वो अपील नहीं कर पाता, उससे अगर ज़्यादा समय लगता है, तो उसका उसको सेटिस्फैक्टरी कॉज क्या है वो बताना होता है, यानी कि यहाँ पर अपीलेंट की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है। और फिर ये जो रिवोकेशन ऑर्डर है इसको मॉडिफाई करना है, रिवर्स करना है या फिर कंफर्म करना है, ये यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। और फिर उसके बाद सेक्शन 10 में दिया गया है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। चलिए अब जानते हैं BOCW Act 1996 के चैप्टर 4 के बारे में, जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज बेनिफिशियरीज। तो इसमें सेक्शन 11 दिया गया है बेनिफिशियरीज ऑफ द फंड। सेक्शन 12 में बताया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एज बेनिफिशियरीज। तो इसमें बताया गया है कि कौन सा ऐसा बिल्डिंग वर्कर्स है जो बेनिफिशियरीज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि जो भी बिल्डिंग वर्कर जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली हो लेकिन 60 साल की उम्र उसने पार ना की हो, तो वो उस बेनिफिशियरीज के लिए एप्लीकेबल है। और एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि जो भी बिल्डिंग वर्कर है जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहा हो लेकिन उसने 90 डेज तक जो भी प्रोसीडिंग 1 ईयर है यानी कि 12 मंथ्स है, उसने 90 डेज तक जो है वो कंटिन्यू काम करना चाहिए। अगर वो 90 डेज तक कंटिन्यू अगर उस साल में काम करता है तो भी वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। फिर उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन के लिए उसको एप्लीकेशन करनी होती है, और इस एप्लीकेशन की जो फी है वो मैक्सिमम 50 रुपीज़ होती है। और ये जो एप्लीकेशन है ये बोर्ड की तरफ से जो भी ऑथराइज पर्सन है उसकी तरफ से किया जाता है, और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये बोर्ड की तरफ से जो भी पर्सन ऑथराइज किया गया है उसकी तरफ से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑथराइज पर्सन है ये इस रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है अगर वो क्राइटेरिया में नहीं बैठता है तो। और अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसका ये जो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया है ये बेफसूल है, यानी कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसकी जो अपील है वो within 30 डेज जो है वो बोर्ड के जो सेक्रेटरी रहेंगे या फिर कोई भी अप्रूव ऑफिसर रहेगा उसकी तरफ जो है आप कर सकते हो। लेकिन अगर इसकी अपील आप 30 डेज के बाद करते हो तो उसका सेटिस्फैक्टरी कॉज जो है, कारण जो है, वो आपको उनको बताना होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 13 में बताया गया है आइडेंटिटी कार्ड्स के बारे में। फिर उसके बाद सेक्शन 14 में बताया गया है सेसेशन एज अ बेनिफिशियरी, यानी कि बेनिफिशियरी की यहाँ पर एंड भी हो सकता है, उसकी समाप्ति भी हो सकती है। तो ये कब हो सकता है कि जब भी कोई पर्सन 60 साल की एज जो है वो अटेंड कर रहा हो या फिर उसने कंप्लीट किया हो, तो उसका ये जो बेनिफिशियरी है ये एंड हो सकता है। या फिर कोई अगर पर्सन 90 दिन तक उस बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में इंगेज नहीं है, यानी कि उसने कम ही दिन वहां पर काम किया है, तो उसका भी यहाँ पर बेनिफिशियरी जो है वो सेसेशन होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 15 में बताया गया है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियरीज के बारे में, यानी कि जो भी बेनिफिशियरीज है उसका रजिस्टर मेंटेन करना है। तो हर एक जो एम्प्लॉयर है उनका ये काम है कि जो भी बेनिफिशियरीज है उनका एक रजिस्टर वो मेंटेन करे, और उस रजिस्टर को चेक करने के लिए या फिर इंस्पेक्ट करने के लिए जो बोर्ड के सेक्रेटरी है या फिर जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर है वो कभी भी आ सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रायर नोटिस न देकर वो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए आ सकते हैं।
फिर उसके बाद सेक्शन 16 में बताया गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स। तो इसमें बताया गया है कि जो भी बिल्डिंग वर्कर्स है उन्होंने फंड को कंट्रीब्यूट करते रहना है जब तक उनकी 60 साल की एज जो है वो खत्म नहीं हो जाती है या फिर वो 60 साल तक नहीं पहुंचते हैं। और ये फंड कितना रहेगा ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ये स्पेसिफाई करेगा। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये अगर बिल्डिंग वर्कर्स अगर मैक्सिमम 3 महीने तक अगर नहीं दे पाता है और उसकी फाइनेंशियल अगर कंडीशंस अगर सही नहीं है और वो अगर सेटिस्फैक्टरी जो कारण है वो अगर बताता है तो उसका ये जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर माफ भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद इसमें पॉइंट दिया गया है कि अगर बेनिफिशियरी अगर चाहे तो वो एम्प्लॉयर को अथॉरिटी दे सकता है कि उसकी जो मंथली सैलरी आती है यानी कि मंथली उसका जो भी वेजेस है उससे वो कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्ट कर सके। और इसकी जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयर ने 15 दिन के पहले जो है वो बोर्ड को देनी है। फिर उसके बाद सेक्शन 17 में बताया गया है इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो इसमें बताया गया है कि बिल्डिंग वर्कर की तरफ से अगर ये जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर मिनिमम 1 साल तक अगर इसको कंटिन्यूअसली अगर नहीं देता है तो उसका वो जो बेनिफिशियरी है उसको सीज किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर वो बिल्डिंग वर्कर अगर एक सेटिस्फैक्टरी कॉस्ट देता है और उसका जो एरियाज है वो अगर डिपोजिशन अगर कर लेता है तो उसका जो बेनिफिशियरी है वो सीज नहीं होगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फैक्टरी कारण अगर नहीं दे पाता है तो उसका जो बेनिफिशियरी है वो सीज हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 5 के बारे में जो है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड्स के बारे में जिसमें सेक्शन 18 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट वेलफेयर बोर्ड। तो हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट वेलफेयर जो बोर्ड है उसको कंस्टिट्यूट करती है या फिर अपॉइंट करती है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है और अदर 15% होते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एम्प्लॉयर्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स है उसके रिप्रेजेंटेटिव के इक्वल होते हैं। इसमें एक मेंबर जो है वो वुमन होती है। फिर उसके बाद सेक्शन 19 में बताया गया है सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ बोर्ड्स। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है यानी कि CEO होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 20 है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। सेक्शन 21 है वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। सेक्शन 22 है फंक्शन ऑफ द बोर्ड। तो इसमें बताया गया है कि बोर्ड का क्या फंक्शन होता है। तो इनकेस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको इमीडिएट असिस्ट करने का बोर्ड का फंक्शन होता है उसका काम होता है। फिर उसके बाद है कि अगर किसी पर्सन की 68 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है तो उसका पेमेंट और पेंशन देने का भी बोर्ड का फंक्शन होता है उसका काम होता है। फिर उसके बाद है कि होम लोन को सैंक्शन करना ये भी बोर्ड का काम होता है। फिर उसके बाद है कि ग्रुप इंश्योरेंस जो स्कीम है उसका पेमेंट करने का भी काम होता है। फिर उसके बाद है मेडिकल एक्सपेंसेस देना वो भी बोर्ड का काम होता है। फिर उसके बाद है कि एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्ट करना वो भी बोर्ड का काम होता है। फिर उसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट्स भी देना ये बोर्ड का काम होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 23 है ग्रांट एंड लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद सेक्शन 24 है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये जो वेलफेयर फंड है ये भी बोर्ड के द्वारा ही कंस्टिट्यूट किया जाता है और यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्सपेंसेस है टूवर्ड्स जो सैलरीज हो या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो तो एक फाइनेंशियल ईयर में ये 5% होता है और इसका बजट और एनुअल रिपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है। फिर उसके बाद सेक्शन 25 है बजट। सेक्शन 26 है एनुअल रिपोर्ट। सेक्शन 27 है अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो इसमें बताया गया है कि बोर्ड का जो अकाउंट्स है उसको ऑडिट किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से और ये अकाउंट के ऑडिट की जो कॉपी है और ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट है उसको स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 6 के बारे में जो है हावर्स ऑफ वर्क वेलफेयर मेजर्स एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स जिसमें सेक्शन 28 है फिक्सिंग हावर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डे। दोस्तों जैसा कि इसके पहले हमने फैक्ट्री एक्ट की बात की थी तो फैक्ट्री एक्ट और BOCW एक्ट में ज्यादातर जो है वो सेम ही कंडीशन बताई गई है। तो यहाँ पर भी नॉर्मल वर्किंग डे जो है वो 9 आवर्स का होता है
और एक वीक में वो 48 आवर्स तक काम कर सकते हैं, जैसा कि फैक्ट्री एक्ट में भी था। और इसकी जो अथॉरिटी है वो अप्रोप्राइट जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से होती है। और यहाँ पर 7 दिन में 1 दिन का रेस्ट जो है वो देना अनिवार्य है। और अगर रेस के दिन भी आपसे अगर काम कराते हैं तो उस रेस डे में काम करने का जो मुआवजा है वो आपको होल टाइम का जो वेज रेट रहेगा उसके इक्वल में या फिर उससे ज़्यादा देना है। फिर उसके बाद सेक्शन 29 है, वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क। तो इसमें ओवर टाइम रेट के बारे में बताया गया है। तो ओवर टाइम जो रेट है वो ऑर्डिनरी जो रेट रहेगा उसके डबल मल्टीपल रहेगा। और वेजेस का जो ऑर्डिनरी रेट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें बेसिक वेजेस होते हैं प्लस अदर जो इंटाइटल अलाउंसेस होते हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं, लेकिन इसमें बोनस को ऐड नहीं किया जाता। तो इस तरीके से आपका ऑर्डिनरी जो रेट है वेजेस का वो निकलता है और ओवरटाइम जो रेट है वो ऑर्डिनरी रेट के डबल होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 30 है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। और इसका जो रिकॉर्ड है और रजिस्टर जो है वो एम्प्लॉयर को मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 31 है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टन पर्सन इन सर्टन बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। फिर उसके बाद सेक्शन 32 है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि ड्रिंकिंग वाटर जो स्टेशन रहेगा वो लैट्रिन्स हो, यूरिनल्स हो या फिर स्पिटून्स हो या फिर वॉशिंग प्लेस हो, तो यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पर ही आपको ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन जो है वो रखना है। यानी कि इससे 6 मीटर और 6 मीटर से ज्यादा का जो फासला है वो मेंटेन करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 33 है लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि अगर 50 या फिर 50 से ज़्यादा अगर पर्सन्स इम्प्लॉय है तो वहाँ पर एक सेपरेट यूरिनल्स जो है वो प्रोवाइड कराना है, या फिर लैट्रिन्स में अगर वाटर बोर्न सीवेज जो सिस्टम है वो अगर कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पर भी सेपरेट यूरिनल्स जो है वो प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद सेक्शन 34 है अकोमोडेशन के बारे में। फिर उसके बाद सेक्शन 35 है क्रेचेस के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जहाँ कहीं भी 50 फीमेल बिल्डिंग वर्कर्स अगर ऑर्डिनरी वहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रेचेस जो है वो प्रोवाइड कराना है। और वहाँ पर चिल्ड्रन जो है जिसकी एज 6 ईयर से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 6 ईयर से कम ही जिनकी एज है वो यहाँ पर रह सकते हैं। और क्रेचेस में एक महिला भी वहाँ पर रहेगी ताकि वो जो चिल्ड्रंस है उनकी देखभाल कर सके। फिर उसके बाद सेक्शन 36 है फर्स्ट एड के बारे में। तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना ये इम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है, यानी कि इम्प्लॉयर ने फर्स्ट एड सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करानी है। फिर उसके बाद सेक्शन 37 है कैंटीन्स के बारे में। तो कैंटीन भी जो है वो इम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करानी है, लेकिन उसके जो रूल्स है वो फ्रेम किए जाएंगे जो भी अप्रोप्राइट गवर्नमेंट रहेगी उनकी तरफ से। और ये कैंटीन इम्प्लॉयर के द्वारा वहां पर प्रोवाइड की जाएगी जहां पर 250 या फिर उससे ज्यादा बिल्डिंग वर्कर्स जो है वो ऑर्डिनरी वहां पर काम कर रहे हो। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 7 के बारे में, जो है सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स। तो इसमें सेक्शन 38 में बताया गया है सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जहां पर भी 500 या फिर 500 से ज्यादा अगर बिल्डिंग वर्कर्स काम कर रहे हो तो वहां पर सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए और वहां पर सेफ्टी कमिटी जो है वो फॉर्म करनी है। सेफ्टी कमिटी में जो भी वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे तो उनकी जो संख्या है वो एम्प्लॉयर के जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उसके इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 39 है नोटिस ऑफ सर्टन एक्सीडेंट्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी जो एक्सीडेंट हो जिसमें बॉडी को इंजरी हुई हो या फिर डेथ हुई हो या फिर वर्कर का ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो कि जिस एक्सीडेंट की वजह से वर्कर जो है वो 48 घंटे या फिर उससे ज़्यादा जो है काम पर नहीं आ सकता है, तो ऐसे एक्सीडेंट का नोटिस यहाँ पर देना है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि अगर एक्सीडेंट में 5 लोगों की अगर डेथ हो जाती है या फिर उससे ज़्यादा लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो जब ये नोटिस रिसीव होता है तो उससे ठीक 1 महीने के अंदर ही इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 40 है पावर ऑफ अप्रोप्राइट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ बिल्डिंग वर्कर। फिर उसके बाद सेक्शन 41 है फ्रेमिंग ऑफ मॉडल रूल्स फॉर सेफ्टी मेजर्स। चलिए अब जानते हैं
BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 8 के बारे में, जो है इंस्पेक्टिंग स्टाफ। तो इसमें सेक्शन 42 है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल, चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। तो इसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गैजेटेड ऑफिसर होते हैं और उनको एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्शन करके अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गैजेटेड जो ऑफिसर है उसको इंस्पेक्शन के लिए एज अ चीफ इंस्पेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। और फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो भी अप्रोप्राइड गवर्नमेंट है, अप्रोप्राइड गवर्नमेंट यानी कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो जो भी नंबर ऑफ ऑफिसर्स है उनको एज अ इंस्पेक्टर करके जो है अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो तीनों है यानी कि डायरेक्टर जनरल हो गए, चीफ इंस्पेक्टर हो गए और इंस्पेक्टर हो गए, ये तीनों के तीनों जो है ये पब्लिक सर्वेंट है। और फिर उसके बाद सेक्शन 43 है पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स के बारे में। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 9 के बारे में, जो है स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। तो इसमें सेक्शन 44 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स। फिर उसके बाद सेक्शन 45 है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड कंपनसेशन। तो इसमें बताया गया है कि पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए एम्प्लॉयर जो है वो जिम्मेदार है, और इन केस अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कंपनसेशन देने में अगर फेल हो जाता है तो उसकी जगह पर एम्प्लॉयर जो है वो वहां पर लायबल हो जाता है उस पेमेंट को देने में या फिर उस कंपनसेशन को देने में। और एम्प्लॉयर को ये जो कंपनसेशन है जो कॉन्ट्रैक्टर फेल हुआ है वो देने में, तो उसको देना है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के प्रोविजन के अनुसार। और बाद में ये जो कंपनसेशन है जो एम्प्लॉयर देता है ये फिर वो कॉन्ट्रैक्टर की ओर से बाद में रिकवर कर सकता है। फिर उसके बाद है सेक्शन 46 जो है नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयर जो है वो इंस्पेक्टर को 30 दिन पहले यानी कि कमेंसमेंट होने के 30 दिन पहले जो है वो नोटिस देगा। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 10 के बारे में, जो है पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर। तो इसमें सेक्शन 47 है पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स, यानी कि इसमें बताया गया है कि सेफ्टी मेजर्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर क्या पेनाल्टी हो सकती है। तो इसमें दिया गया है कि मैक्सिमम जो जेल है वो 3 महीने तक हो सकती है, या फिर मैक्सिमम फाइन जो है वो 2000 तक यहाँ पर होता है, या फिर ये दोनों भी हो सकती है। इसके अलावा अगर ये कॉन्ट्रावेंशन यानी कि अगर उल्लंघन अगर कंटिन्यू अगर होता है तो उसके लिए 100 रुपीज पर डे देने होंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 48 है पेनाल्टी फॉर फेलर टू गिव नोटिस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि इसमें बताया गया है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का अगर कमेंसमेंट उसका जो नोटिस है अगर वो देने में अगर फेल हो जाते हैं तो उसका पेनाल्टी क्या हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि इसका उल्लंघन करने पर मैक्सिमम 3 साल की जेल हो सकती है, या फिर मैक्सिमम फाइन जो है वो 2000 तक हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 49 है पेनाल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि कोई अगर काम में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है या फिर जानबूझकर उसको रिफ्यूज कर रहा है तो उसके लिए क्या पेनाल्टी होगी ये इसमें बताया गया है। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि मैक्सिमम जेल जो है वो 3 महीने की हो सकती है और फाइन जो है वो 1000 तक हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 50 है पेनाल्टी फॉर अदर ऑफेंसेस, यानी कि सेफ्टी के अलावा अगर दूसरा कोई अगर ऑफेंस होता है तो उसके ऊपर क्या पेनाल्टी हो सकती है। तो उसके ऊपर मैक्सिमम जो फाइन है वो 1000 रुपये का रहेगा, और अगर ये ऑफेंस जो है वो अगर कंटिन्यू अगर होता है तो 100 रुपये पर डे जो है वो देने होंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 51 में बताया गया है अपील के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जो भी पर्सन सेक्शन 50 का अगर उल्लंघन करता है तो उसमें जैसे बताया गया है कि 1000 जो है वो मैक्सिमम फाइन होगा, और अगर ये कंटिन्यू अगर ये ऑफेंस रहेगा तो 100 रुपीज जो है वो पर डे देने होंगे। तो ये जो फाइन है जो उसके ऊपर लगाया है वो अगर बेफजूल है ऐसा उसको अगर लगता है
तो उसके अगेंस्ट में वो अपील भी कर सकता है। और ये जो अपील है ये वो 3 महीने के अंदर उसको करनी है। तो वो जो अपील है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कर सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी कर सकता है। अगर उसको फाइन जो है वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा इम्पोज किया गया है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है इसकी अपील कर सकता है, या फिर उसको जो फाइन है वो डायरेक्टर जनरल की तरफ से अगर इम्पोज हुआ है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी अपील कर सकता है। और ये जो अपील है ये इसको 3 महीने के अंदर करनी होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो अगर इस 3 महीने के अंदर ये अपील अगर नहीं करता है तो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है उसमें भी वो अपील कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको सेटिस्फैक्टरी उसका रीजन देना होगा कि क्या रीजन की वजह से उसने इतना लेट किया। फिर उसके बाद सेक्शन 52 है रिकवरी ऑफ पेनाल्टी, सेक्शन 53 है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, सेक्शन 54 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी कोर्ट जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास उसके इक्वल में है या फिर उससे सुपीरियर है तो उसके पास इस ऑफेंस के पनिशेबल के लिए ट्राई कर सकते हैं जो भी इस एक्ट के अंडर आता है। लेकिन इसकी जो कंप्लेंट है ये डायरेक्टर जनरल या फिर चीफ इंस्पेक्टर की ओर से विथिन 3 मंथ्स जो है वो जानी चाहिए। यानी कि ये जो ऑफेंस है जब डायरेक्टर जनरल या फिर चीफ इंस्पेक्टर के नॉलेज में आता है तो वहां से 3 महीने के अंदर जो है इन्होंने कंप्लेंट करना है, तभी इस एक्ट के तहत ये जो ऑफेंस है इसको पनिश किया जाएगा। फिर उसके बाद है सेक्शन 55 जो है लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस के बारे में। चलिए अब जानते हैं BOCW एक्ट 1996 के चैप्टर 11 के बारे में जो है मिसलिनियस। तो इसमें सेक्शन 56 है डिलीगेशन ऑफ पावर्स, सेक्शन 57 है रिटर्न्स, सेक्शन 58 है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू बिल्डिंग वर्कर्स, सेक्शन 59 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, सेक्शन 60 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। तो इसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सके और वो भी सेफ्टी के एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग। फिर उसके बाद है सेक्शन 61 जो है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो इसमें बताया गया है कि जो भी डिफिकल्टीज है उसको रिमूव करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। फिर उसके बाद है सेक्शन 62 जो है पावर टू मेक रूल्स। तो इसमें बताया गया है कि इसकी जो अथॉरिटी है ये अप्रोप्राइट गवर्नमेंट के पास होती है। अब ये जो अप्रोप्राइट गवर्नमेंट यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। फिर उसके बाद है सेक्शन 63 जो है सेविंग ऑफ सर्टन लॉज, सेक्शन 64 है रिपील एंड सेविंग। तो इस प्रकार BOC एक्ट 1996 में टोटल 11 चैप्टर्स हमने यहाँ पर देखे हैं और टोटल 64 सेक्शन के बारे में हमने जाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा BOCW एक्ट 1996 के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।